हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2021 के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो है यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के ऊपर। यानी कि यार बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर और फाइनल ईयर के अंदर, तो यार आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँगा सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनकी यहाँ पर जो डेट्स थी एडमिशन की वो निकल गई थी और वो रह गए थे, उनके लिए भी एक अपडेट आ गई है, दो बड़ी अपडेट है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज यूजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और मौका दिया था। यहाँ पर आपके लिए जो पोर्टल है वो ओपन किया गया था, मैं आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। सो गाइज वो न्यूज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। यूजी में दाखिले के लिए विद्यार्थी 21 नवंबर तक पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, और फिर 22 नवंबर को यहाँ पर आपका क्या होगा, एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले भी अगर यहाँ पर आपके किसी भी कॉलेज में ओपन काउंसलिंग होती है तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। यानी कि गाइस जिसने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके पास अभी भी एक दो दिन का टाइम है, वो एडमिशन ले सकता है। आज मैं ये वीडियो 20 नवंबर को बना रहा हूँ, ये एक अलर्टिंग वीडियो है, आप सभी के लिए अलर्ट है कि यहाँ पर कल का आपके पास टाइम है 21 नवंबर का, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। कहाँ पर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और फिर आप एडमिशन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 21 तारीख तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, 22 तारीख को फिर ओपन काउंसलिंग होगी लास्ट, उसके बाद फिर एडमिशन नहीं होंगे फर्स्ट ईयर के, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। तो मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, और जिसने ऑलरेडी कर रखा है वो डायरेक्ट यहाँ पर कॉलेज में जाके अपना एडमिशन करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पर आप देखिए लेटेस्ट न्यूज़ दी गई है नीचे दो रेड कलर के अंदर, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो लास्ट डेट फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन टुवर्ड्स यूजी एडमिशन एक्सटेंडेड अप टू 21/11/2021। यानी कि 21 नवंबर तक 5 बजे तक आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो, और फिर 22 तारीख को फिजिकल काउंसलिंग होगी, आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके स्टूडेंट लॉगिन का यहाँ पर जो फॉर्म आता है वो भर देना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर एक कॉलेज में अप्लाई किया था, उसमें सीट नहीं है, तो क्या करना होगा, आपको फिर से अपना जो फॉर्म है उसको रीसबमिट कर देना है, एडिट कर देना है, दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है और फिर उस कॉलेज में चले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ऑरेंज कलर में उसमें लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको अपनी ये सारी डिटेल्स डालनी है, सेलेक्ट बोर्ड यानी कि किस बोर्ड से 12th की है, कब की है, कितने नंबर आए थे, वो सारी चीज़ें डालवाल के यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर डालना है, उसके ऊपर OTP आएगा, वो OTP फिर से आपको यहाँ पर डालना है, फिर आपके फ़ोन नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन ID और एक पासवर्ड आ जाएगा, वही आपके काम की चीज़ है, ठीक है। उसी से आपको फॉर्म भरना है, और वही जब आपका एडमिशन होगा तब फीस जो आप भरोगे तब चाहिएगा, ठीक है। तो वो आपको संभाल के रखना है और ऐसे आपको यहाँ पर अपना एडमिशन है वो करवा देना है, समझ गए। तो गाइस ये रहेगी पूरी की पूरी प्रोसेस, एक बार फिर से बता देता हूँ, 21 नवंबर यानी कि कल का आपके पास टाइम है। अगर आपने हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए के अंदर एडमिशन चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद 22 नवंबर को आप कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ये बात थी फर्स्ट ईयर की। अब हम आते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ऊपर। जिनका भी एडमिशन नहीं हो पाया था, जिसने फीस नहीं भरी थी, डेट निकल गई थी, उनके लिए यहाँ पर मौका दिया गया है, एक नोटिस निकाला गया है। देखिए गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो नोटिस आप देख सकते हो, रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल फॉर प्रोमोटेड स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो यहाँ पर इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो मैं इस नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ जल्दी से और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो जो नोटिस है वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये जो नोटिस है वो सभी यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल हैं, सॉरी कॉलेज हैं, उनके प्रिंसिपल को भेजा गया है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ एडमिशन पोर्टल फॉर प्रोमोटेड स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। काइंडली रेफर टू द सब्जेक्ट सिटेड अबो इन कंटिन्यूशन विद द ऑफिस लेटर अर्लियर। आई हैव बीन डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 26/11/2021। यानी कि गाइज अब आप 26 नवंबर तक यहाँ पर फीस भर सकते हो, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर एडमिशन ले सकते हो, प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है,
जो अभी फर्स्ट ईयर में थे, जिनको सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में एडमिशन चाहिए, ठीक है। और पहले हमने बात की थी, वो यहाँ पर न्यूज़ थी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, दोनों की दोनों अपडेट्स यहाँ पर मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जिनको भी फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेना है वो 21 नवंबर कल तक यहाँ पर रजिस्टर कर दें, और जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है वो डायरेक्ट कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं और एडमिशन ले लें, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो 26 नवंबर तक यहाँ पर अपना जो फीस वगैरह है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है, वो कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।